के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी, आप लोग के पाठक जी का इतना ताली बजा रहे हैं तो मुझको बड़ी खुशी हुई है। जो हम किसको बनाए हैं, आज कोई कोई बोलते रहता है मेरा मतलब कर, तो ठीक नहीं है क्या? देखिए आप सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है, एक तो ठीक ठाक काम कर रहे हैं। आप जितना भी सुनिएगा तो इसका पब्लिसिटी थोड़ी आपको करने देगा, केंद्र नहीं करने देगा, आपको थोड़ा बहुत करिएगा, लेकिन आपको तो खुद खुशी होगी कि कितना बढ़िया लग रहा है, देख रहे हैं ना। लेकिन बाकी सब तो आप जानते ही हैं, कब्जा कर लिया है आप लोगों पर, हम तो आपके पक्षधर हैं, आप चिंता मत करिएगा। कभी कभी कोई कह देता है कि प्रेस के खिलाफ, अरे हम आपके पक्ष में हैं और आपको बाधित कर रहा है केंद्र वाला, उसके हम खिलाफ हैं, इसलिए आप सब लोगों के पक्षधर हैं और उससे मुक्ति मिल जाएगी तो फिर आपका जो अधिकार है वो रहेगा और आप सब जगह दिखिएगा। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और बिहार सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे। बड़े पैमाने पर यह कार्यक्रम किया गया और पटना के गांधी मैदान को पूरी तरीके से इसके लिए तैयार किया गया था। वहीं जब शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया उस वक्त मंच से सीएम नीतीश कुमार ने भी अपना संबोधन दिया, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी अपना संबोधन दिया, लेकिन नौकरियों को लेकर तो सीएम नीतीश कुमार बात करते ही नजर आए। इसके बाद उन्होंने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को लेकर भी अपनी बातें कही। उन्होंने कहा कि देखिए पहले आप लोग इनकी आलोचना करते थे, अब सभी लोग तारीफ कर रहे हैं, और तो और उन्होंने कहा कि अब जो है अधिकारी भी उनकी तारीफ करते हैं के पाठक जी, और भी जो 2,40,000 नौकरियां हैं उसे भी जल्द से जल्द क्लियर करवाइए और भी काम करवाइए। मंच से ही सीएम नीतीश कुमार किस तरीके से के पाठक से बातें करते हुए नजर आए हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जान लीजिए कि अशोक चौधरी जी भी इस विभाग के, शिक्षा विभाग के मंत्री रहे हैं पहले, और यहां उपस्थित हैं विजय कुमार चौधरी जी, वो भी शिक्षा विभाग के मंत्री रहे हैं, और उनके बाद चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री बने, ये लोग रहे हैं, तो आज सब उपस्थित हैं। और यहाँ पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब आमिर सुभानी साहब, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी, और आप लोग के पाठक जी का इतना ताली बजा रहे हैं तो मुझको बड़ी खुशी हुई है। जो हम किसको बनाए हैं, आज कोई कोई बोलते रहता है मेरा मतलब कर, तो ठीक नहीं है क्या? देखिए आप सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है, एक तो ठीक ठाक काम कर रहे हैं। अब जो मीडिया के लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, आज तो हम फिर आपसे आग्रह करेंगे कि भाई आप बहुत तो हम यही चाहेंगे, बहुत तेजी से, अरे भाई पाठक जी, कि अगला 2 महीना के अंदर जो बचा हुआ है 1,20,000 के करीब, उसका भी शुरू करवा दीजिए, ताकि तो इतना तेजी से करवा दीजिएगा, करिए मंत्री, बोलिए खड़ा होकर बोलिए, 2 ही महीने में बाकी सभी जो बचा उसको करवा दीजिए। आप जितना भी सुनिएगा तो इसका पब्लिसिटी थोड़ी आपको करने देगा, केंद्र नहीं करने देगा, आपको थोड़ा बहुत करिएगा, लेकिन आपको तो खुद खुशी होगी कि कितना बढ़िया लग रहा है, देख रहे हैं ना।
फिर बाकी सब तो आप जानते ही हैं, कब्जा कर लिया है आपके ऊपर। हम तो आपके पक्षधर हैं, आप चिंता मत करिएगा। कभी कभी कोई कह देता है कि प्रेस के खिलाफ, अरे हम आपके पक्ष में हैं और आपको बाधित कर रहा है केंद्र वाला, उसके हम खिलाफ हैं। इसलिए आप सब लोगों के पक्षधर हैं और उससे मुक्ति मिल जाएगी तो फिर आपका जो अधिकार है वो रहेगा और आप सब जगह दिखिएगा। हमारे पुराने लोग हम तो जानते ही हैं, आज जो नई पीढ़ी के बहुत लोग नौजवान लोग हैं, हम उन्हीं के लिए ये बात करते हैं कि आप भी समझोगे और बहुत अच्छा फायदा आपको होगा। इसलिए आप भी यहाँ पर उपस्थित हैं तो आपको मैं बधाई देता हूँ और यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आप सबको मालूम है कि खुशी की बात है कि प्रारंभिक शिक्षक के रूप में 70,545, प्राथमिक शिक्षक में 26,089 और उच्च माध्यमिक शिक्षक में 23,720, तो कुल मिलाकर के बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 120,336 शिक्षकों की नियुक्ति की गई। ये बड़ी खुशी की बात है और यहाँ पर तो सीमित है और बाकी सभी जगह पूरे बिहार में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और सब लोग जुड़े हुए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, तो मैं सबको बधाई देता हूँ और सबको। और नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम गांधी मैदान और सभी जिला मुख्यालय में रखा गया है, ये सबको पता ही है, बता ही दिए हैं। और देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार राज्य में पहली बार बड़े पैमाने पर नियुक्ति की गई। जितनी बड़ी नियुक्ति बिहार में की गई है इतने बड़े पैमाने पर कहीं भी नियुक्ति नहीं हुई है, जितनी नियुक्तियां यहाँ पर की जा रही है, ये बात याद रखिएगा। और खास करके मीडिया के लोगों को कहेंगे याद रखिएगा, अभी 50,000 हुआ तो कितना दो दिन छपा, तो इतना भारी संख्या में कह रहे हैं तो थोड़ी छपेगा। तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि मत छापिए, लेकिन बतवा तो जानिए ना कि कितने बड़े पैमाने पर बहाली हो रहा है, ये समझ लीजिए। अब लोक सेवा आयोग में 170,000 शिक्षकों के पदों की थी, 8,00,000 से अधिक युवाओं ने भाग लिया, लेकिन सभी नहीं कर सके, तो इसीलिए 88% शिक्षक नियुक्त हुए हैं अब तक। अब 12 इसमें जितने नियुक्ति हुई है, अब इसमें तो हम लोगों ने कहा था ना, कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहा है कि बाहर करते, सबको पता है सब दिन जो बहाली होती है वो सिर्फ राज्य नहीं देश भर के लोगों को मौका दिया जाता है। और अपने बिहार का लोग जो लड़का है या लड़की है दूसरे राज्यों में कितनी उसको बहाली मिलती है, हम तो कई जगह घूमते हैं ना जी, MP थे तब भी, बाप में भी, और बिहार का लोग भी बाहर रहता है। और जब यहाँ भी हम लोगों ने सबको किया है तो कुछ लोग आजकल, पहले नहीं आलोचना करता था, तो आजकल जिसकी पब्लिसिटी आप लोग कर रहे हैं वही आलोचना करता है, कहता है बिहार के बाहर वाले को भी आप बुला रहे हैं। बिहार का बाहर है, देश कहीं बाहर है, पूरा देश एक है और सब जगह के लोगों को। और यहाँ पर तो हम लोग करते हैं, हमारे लोग बाहर भी जाते हैं, और यहाँ पर कितना हुआ, 88% शिक्षक बिहार के नियुक्त हुए और 12% लोग अन्य राज्यों के। तो सोच लीजिए इतने बड़े पैमाने पर, तो इसीलिए अन्य राज्य के लोगों को अनुमति देने से बिहार के युवाओं के साथ अन्याय होगा सब, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिहार के लोग भी तो देश के अन्य राज्यों में नौकरी कर रहे हैं, इसलिए आपको तो बता ही ना रहे कि बाहर भी नौकरी कर रहा है, लेकिन सब लोग तो ऐसे ही बोलते रहता है। इतने बड़े पैमाने पर नियुक्ति हुई, आज अभी आप लोग दिखा रहे हैं, बाहर के जो लोग आया है उसको भी कितनी खुशी हो रही थी कि आए, और अपने लोग भी जो बाहर में थे
वो लोग आकर के यहाँ पर दिए, बहाली किए और सबको अपने यहाँ इसमें नौकरी दिए और बहाली हुई उनकी। तो इसीलिए ये सब काम किया गया है। और आप बताते हैं आपको कि बिहार के शिक्षक की नौकरी पाने के लिए जो बाहर के लोग हैं, कौन कौन राज्य का लोग हैं? एक है केरल का, कर्नाटक का, गुजरात का, महाराष्ट्र का, आसाम का, पंजाब का, मध्य प्रदेश का, उत्तराखंड का, हरियाणा का, झारखंड का, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिम बंगाल से भी लोग हैं। देखना बात है, ये सब तो खुशी की बात है ना। आप समझिए कि केरल, कर्नाटक, ये सब भी लोग यहाँ पर आके भाग लिया और वो सब आया है कुछ संख्या में, तो खुशी की बात है। यहाँ के स्कूल में जो पढ़ाएगा, खुशी की बात है। और अपने लोग तो पढ़ा ही रहे, सब पढ़ाएगा, सबको जो बहाली किया गया था, खुशी की बात है। और दूसरे देशों जैसे ओमान एवं कतर में भी आकर बिहार के लोग इस परीक्षा में शामिल हुए। अब दूसरे जगह भी रहता था तब तक परीक्षा में शामिल हुआ, और कितने लोग बीच में शामिल हुए। इसलिए कई लोग सेना, अर्धसैनिक बल, रेलवे एवं बैंकों था बड़ी कंपनियों को छोड़कर शिक्षक बने हैं। सोच लीजिए, दूसरे काम में लगे हुए थे। आप में से बहुत लोग हैं जो पहले सेना में थे, अर्धसैनिक बल में थे, रेलवे में थे, बैंक में थे, अब बड़ी कंपनियों को में थे और छोड़ करके बिहार में शिक्षक बने। तो कितना खुशी की बात है। एक एक चीज बात हम सब आप लोग जो बैठे हुए हैं ना पत्रकार मित्रों, उनको भी बता दे रहे हैं अंजान के, कि जरा सोच लीजिए किस किस तरह के लोग आ रहे हैं और सब मुस्कुरा रहे हैं। आप सबको बताइए कि सब कुछ चीज को ध्यान में रखिए। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं, वहीं के पाठक को लेकर वो ये भी कहते नजर आए कि उनको देखकर काफी शिक्षक तालियां भी बजा रहे हैं। बता दें कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बोलना शुरू किया, जब के पाठक का नाम लेना शुरू किया, जो तमाम शिक्षक बैठे थे नव नियुक्त, तो उनके बीच में आप देख सकते हैं किस तरीके से वो तालियां बजा रहे हैं और उनके नाम पर काफ़ी लोग शोर मचाने लगे। ऐसे में जो सीएम नीतीश कुमार हैं, उन्होंने भी मौका नहीं छोड़ा के पाठक की तारीफ करने में। दर्श न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।